हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कूल बी में। जैसे कि आपको पता है, लगातार जो सीरीज चल रही थी हमारी 20 प्रैक्टिस सेट की, तो उसमें 20 प्रैक्टिस सेट हमने पूरे करवा दिए हैं और एक सेट हमने मैथ और रीजनिंग का भी करवा दिया है बीच में। ये दूसरा सेट है और इस वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग आपको करवाने वाले हैं। तो 12 से 15 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्येक का सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो इन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपके आगे आने वाले एग्जाम सीईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैथ और रीजनिंग की अब क्लासेस चलेंगी, लगातार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें। इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर कूल बॉय कूल बी लिख के आप सर्च कर सकते हैं। और हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट भी हमने हमारे चैनल के ऊपर डाल दिए हैं, लगभग 60 के करीब प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप उनको देख लीजिए। तो 20 प्रैक्टिस सेट की सुपर मॉक टेस्ट की हमारी जो सीरीज चली, वो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स उसका मिला है, तो वो जिसने भी नहीं देखे वो भी देख लें। अब मैथ और रीजनिंग की क्लास आपकी चलने वाली है, ठीक है? तो चलिए, ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर। ये 21वां है जो कि मैथ और रीजनिंग का आपके बाद, ठीक है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसमें दे दिया 145, 290, 580, 1160। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपने करना है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये डबल हैं या फिर इनका आधा है, ठीक है? जैसे 145 गुना दो कितना होता है, 290, तो डबल हो गया। 290 गुना दो 580, 580 गुना दो 1160, तो डबल होता चल रहा है। तो 1160 का दुगुना कितना हो जाएगा आपका, 1160 है, इसकी दो से हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200, 2 छके 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, तो 2320 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका जिसमें अरेंजमेंट करनी पड़ती है आपको, एक मिनट। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आराम से कीजिए, आप आसानी से इसको एक बार सेट कर लेंगे ना, उसके बाद जो दो तीन क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसने क्या कहा है, ए बी सी डी ई और एफ, छह आदमी हैं, ठीक है, छह सदस्य हैं इसमें, इनमें से एक तो क्या है, डॉक्टर है, परिवार में दो विवाहित युगल हैं, यानी दो युवा जुड़े, एफ जो कि डॉक्टर है, ई का पिता है। तो जैसे हम सबसे पहले एफ को ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया एफ जो कि डॉक्टर है, इसको अब डी से डिनोट कर लीजिए, यानी कि डॉक्टर है ये, ठीक है, और जो कि ई का पिता है, तो ई इसके नीचे लिख देंगे हम, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है, इतना हमने कर लिया। उसके बाद देखिए, ए एक अध्यापक है जो डी की माँ है, ए इस साइड ले लेते हैं हम, अध्यापक है, माँ है, तो यानी कि ये फीमेल हो गई, ये फीमेल और ये इधर था मेल, ठीक है, एक जोड़ा लगभग हो गया। किसकी माँ है, ये है डी की माँ, तो डी हम नीचे ले लेंगे, ठीक है। ई का पिता तो हो गया आपका एफ और डी की माँ होगी ए, ए अध्यापक है, एफ डॉक्टर है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कहता है बी जो है डी की दादी है, डी की दादी कैसे होगी, डी का पिता और उसकी माँ, यानी कि डी की दादी यहाँ पे ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, बी को, ठीक है, ये होगी हमारी बी जो कि एक गृहिणी है, यानी कि ये भी एक फीमेल है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, सी जो है ए का ससुर है, सी जो है ए का ससुर कैसे हो गया, यानी ए का घरवाला हो गया ये जो डॉक्टर है ये, और इसका जो एफ है डॉक्टर है, इसका पिताजी हो जाएगा इसका ए का ससुर, ये हो जाएगा सी यहाँ पे, ठीक है। तो सी किसका हो गया, ए का ससुर हो गया यहाँ से, ठीक है। और एक क्या है, ये इंजीनियर भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंजीनियर है, ठीक है, ये इंजीनियर हो गया। अब क्या करना है, डी जो है वो ई की बहन है, ये बहन भाई हैं दोनों आपस में, ठीक है, डी और ई दोनों क्या हैं, बहन भाई हैं। अब हो गया सोलियल, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें ये पूछा है एफ जो है किस प्रकार बी से संबंधित है, एफ जो है बी से किस प्रकार संबंधित है। तो बी जो है यानी कि डी की दादी थी, डी की दादी थी, तो यानी
एफ की क्या होगी, एफ की माँ होगी, माँ होगी तो एफ क्या होगा इसका, बी का बेटा हो गया, तो बेटा हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 57 का डी ऑप्शन पुत्र, ठीक है, क्योंकि बी का बेटा क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। एक बार बना लीजिए, बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर देंगे। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित युगलों में से एक है, जो विवाहित हैं वो कौन से इनमें से, देखिए आपका जो एफ और ए हमने बताया था ये हमारा विवाहित युगल आया था, बीच वाला एफ ए, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, तो महिला सदस्य यहाँ पे बात करें कितनी है, देखिए यहाँ पे बात करें ई जो है, ई क्या है यहाँ पे जो ये कहा गया है ना इसमें लास्ट में, डी जो है ई की बहन है, ई महिला है या पुरुष ये स्पष्ट नहीं है यहाँ पे, बताया नहीं गया है, ठीक है। तो ये ई का जानकारी नहीं है इसमें, कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं दी गई जिससे प्रूव हो कि पुरुष है या महिला है, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तीन से चार महिलाएं इसमें हो जाएंगी, तीन या चार, ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख लीजिए, ये हमारा डायग्राम बना है, इस डायग्राम के थ्रू जो हमारा क्वेश्चन ये पूरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से एफ डॉक्टर था, ए अध्यापक, ठीक है, ई का पिता है एफ जो कि डॉक्टर है, डी की माँ ए है, ए का ससुर सी है, और एफ की माँ कौन से बी, यानी कि बी का आपसे संबंध, एफ जो पुत्र हो जाएगा बी का। तो इसी से सब सारा का सारा आपका सॉल्व हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे आपको इनको देखना है, आराम से करना है, बिल्कुल ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी इसमें, ठीक है। उसके बाद है ए बी सी डी और ई का माध्य 28 है, ठीक है, कितना है 28 है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याएं प्लस में जितनी भी संख्याएं हैं बटे में जितनी भी संख्याएं हैं वो ये होता है इनका माध्य, कितना दे रखा है इन्होंने 28, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या हो जाएगा, इधर आके गुणा में हो जाएगा 5, 28 गुणा में 5, ठीक है। तो 28 गुणा में 5 कर देंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 8 5 40, 0 5 2 10 4 14, 140 हो गया, ठीक है, 140 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या कहता है, ए सी और ई का माध्य 24 है, तो यहाँ पे ए प्लस सी प्लस ई माध्य दे रखा है, यानी बटे में दो बराबर है, कितना दे रखा है 24। तो यहाँ से ए प्लस सी प्लस ई क्या हो जाएगा 24 × 48, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू 48 है, टोटल की 140 है। पूछा क्या है, बी और डी का माध्य पूछा इन्होंने, बी और डी, ठीक है, बी प्लस डी दो इसमें रह गए, तो ए सी ही हमारे पास आ गया। अब बी डी हमने निकालना है, तो जो पूरी क्वेश्चन है उसमें हम क्या कर देंगे, जो ए सी ई है उसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माध्य निकालते हैं, 24/3 हो गया, 24 × 72 आएगा, 48 नहीं, सॉरी, ठीक है, 72 हो जाएगा। तो ए सी ई की वैल्यू 72 आ गई यहाँ पे, इनकी 72 आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जो ये इक्वेशन हमारी दूसरी वाली, इसमें हम इसको रख देंगे, ए सी ई की जगह तो रख दिया हमने 72 प्लस में, बाकी क्या बचा है ना, बी और डी, बी प्लस डी, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा ये जो टोटल हमारे दे रखे हैं उन्होंने 140, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ से हम बी प्लस डी की वैल्यू निकाल देंगे, बी प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आगे 140 में से 72 माइनस हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 68, ठीक है, बी प्लस डी की वैल्यू हमारी 68 आ गई। तो इनका माध्य निकालेंगे, तो बी प्लस डी बाई टू, ठीक है, यानी कि 68/2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 34, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 34 इसमें बी ऑप्शन आपका दिया गया है, बिल्कुल ईजी है। एक बार शुरू से मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का माध्य दे रखा है हमें 28, ए प्लस सी प्लस ई का दे रखा है 24, दोनों का माध्य हो गया, ठीक है,
यहाँ से बचा किसका फिर b प्लस डी का बचा, तो जो पहले वाले इक्वेशन में हम a प्लस सी प्लस ई का जो माध्य आता है उसको रख के वहाँ से b प्लस डी की वैल्यू निकाल लेंगे। b प्लस डी की वैल्यू आने के बाद हम उनका माध्य निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 34। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है। उसके बाद देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो यहाँ से देखिए क्या इसमें ट्रिक लगती है वो देख लीजिए। वैसे देखा तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर ट्रिक का पता लग जाए तो, और अगर नहीं लगे तो काफ़ी हार्ड भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है इन्होंने, देखिए जैसे 4 1 2 है इन तीनों को जोड़ देते हैं, 4 + 1 + 2 कितना हो गया, 4 5 और 2 7, और आगे दे रखा है 49, यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया कितना, 49। ठीक है, ऐसे ही फिर अगले में है 3 + 6 + 1 कितना हो, 6 और 3 और 1 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। कौन सा ऑप्शन है, 100, सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ट्रिक लगा रखी है। उसके बाद है 12/25 को एक दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो नीचे वाला और ऊपर वाला है उसको किसी ऐसे से गुणा कीजिए कि वो नीचे पूरा अंक बन जाए। जैसे 12/25 है इसको हम 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से भाग, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो दशमलव रूप है वो आ जाएगा 12 चौके 48, 25 चौके 100, तो 48/100 यानी कि कितना हो गया, 0.48। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन, आपका ए ऑप्शन है, ऐसे निकालना है। ठीक है, तो आप इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 4 से गुणा 4 से भाग करें तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 62 का, देखिए सरल कीजिए। ये सिंपल सा है क्वेश्चन, आपको सरल करना है, फैक्टराइज कर लीजिए इसको। सबसे पहले करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, x² + में ऊपर वाली इक्वेशन जो है इसको करेंगे पहले 12xy + 27y², तो इसकी गुणा तो आनी चाहिए 27x² y² और जोड़ आना चाहिए 12xy। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, जैसे 9 और 3 है, 9 3 27, गुणा तो आएगी 27 और जोड़ आएगा 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9xy + 3xy + आगे कितना है 27y², जो फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, अपॉन में कर लेंगे इसकी कितना दे रखा है, x + 9y। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया, x + कितना बचा, 9y + यहाँ से क्या करेंगे, 3y कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया हमारे पास, x + 9y। ठीक है, ये बच गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया यहाँ से, एक तो आगे x + 3y, एक आगे x + 9y। ठीक है, क्या हो गया यहाँ से, x + 3y, एक आगे x + 9y। ठीक है, और अपॉन में कितना चल रहा है इसके, x + 9y। ठीक है, तो x + 9y से x + 9y कट जाएगा आपका, यहाँ क्या बच जाएगा, x + 3y, यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए, x + 3y। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। उसके बाद देखिए संख्या दी गई है 47,953, इसमें 7 के स्थानीय मान तथा 9 के स्थानीय मान में अंतर बताइए। जैसे 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 के आगे 1 2 3 0। ठीक है, और फिर क्या है, 9 का कितना हो जाएगा, 9 के आगे 2 0 900, तो अंतर पूछा है, तो 7,000 में से हम 900 माइनस कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 6,100। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, काफ़ी इजी था। उसके बाद है किसी शहर की जनसंख्या है 8,000, इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों बाद, इसमें जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना वैसे ही फार्मूला लगेगा, जैसे प्रिंसिपल इंटू में 1 + में रेट बाय 100 और ऊपर जो साल दिए होते हैं वो ईयर। ठीक है, तो ये फार्मूला लगेगा, तो यहाँ से जैसे जो टोटल जो हमारी जनसंख्या वो कितनी, 8,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + में कितना दिया गया है, 5%, तो 5/100 कर देंगे, और कितने साल के बाद पूछा, 2 के, तो ऊपर 2 लिख देंगे। ये बस ये इक्वेशन आप सोल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 8,000 * में इसको सोल्व करेंगे, 5 एकम 5 ये 20, 1/20 यानी कि 21/20
दो बार गुणा करनी है, दो ये रहे तो 21/20, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो से 40 पे और दो से 20 पे। तो अब गुणा किसकी करनी है, 21 21 20 की गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, क्या उत्तर आएगा, ये आएगा 8820, ठीक है, ये आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाएंगे और इनको शेयर भी करना है दोस्तों, ठीक है, ये ज़रूरी है, शेयर ज़रूर करें। उसके बाद है नेक्स्ट, पांच संख्याओं का माध्य दे दिया 30, इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो उसका माध्य 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, देखिए पांच संख्याएं हैं, माध्य दे रखा है 30, तो इनका योग निकाल देंगे पहले, 30 गुणा में 5 हो जाएगा कितना, 150, टोटल योग आ गया। फिर कहता है एक संख्या हटा दी गई, हटा दी गई तो 4 हो गई और उनका माध्य कितना हो गया 28, तो यहाँ से कर दीजिए 28 गुणा में 4 कितना हो गया, 832, 3 हासिल, 4 दुनिया 8 और 3 11, तो 111 हो गया। अब जो टोटल है उसमें से हम ये जो 4 का माध्य निकाल घटा देंगे तो एक का आ जाएगा, तो 150 में से हम 112 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 4 में से 1 गया 3, तो कितना गया 38। तो ऑप्शन कौन सा आपका, डी ऑप्शन है 38, ठीक है। कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। उसके बाद है, 3 वर्ष में साधारण ब्याज से एक धनराशि 815 हो जाती है और 4 वर्ष में 854 हो जाती है, तो मूलधन बताइए। देखिए 4 वर्ष में तो होती है कितनी 854, 3 में कितनी है 815, तो यहाँ से अंतर निकाल लीजिए, एक साल का आ जाएगा, एक साल का अंतर कितना आ गया, 14 में से 5 गए 9, यहाँ रह गए 4 में से 1 गया 3, ठीक है, कितना आ गया 39, एक साल का कितना आ गया आपका 39। कितना पूछा है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 39 गुणा 3 कर देंगे, 9 3 27, 2 8 3 3 9 और 2 11, 117 हो गया 3 साल का, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो मूलधन बताइए, मूलधन निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब इसमें से जो हमारा टोटल था 3 साल का उसमें से ये जो ब्याज है ये घटा देंगे, आपका कितना आ जाएगा मूलधन आ जाएगा, तो 815 माइनस में कर दें 117, तो ये आ जाएगा आपका 15 में से 7 गए 8, यहाँ पे कितना रह गया 0, ठीक है, 10 में से गया 9 और 7 में से गया 6, 698, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 14 मीटर के व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, अर्धवृत्त है, जैसे ये है वृत्त आपका, ठीक है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ये दे दिया इन्होंने डायमीटर यानी कि व्यास, तो व्यास की आधी होती है रेडियस, त्रिज्या, तो 14 की आधी कितनी हो जाएगी 7, 7 होगी रेडियस, आर 7 होगी, फार्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा में आर स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 पे, 11 7 73, 77 गुणा कर दें 7 7 49, 4 7 7 49 और 4 कितना हुआ, सॉरी ये कैंसिल आउट हो गया, 11 7 77, तो कितना आ गया 77 ही आ गया, ठीक है, ऑप्शन ए आ गया आपका 77, बिल्कुल इजी था। उसके बाद है, 15 की पावर एक्स दे रखी है उन्होंने, किसके बराबर, 5 की पावर एक्स गुणा में 243, ऐसे दे रखी है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए 15 की पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा में 3 की पावर एक्स, ठीक है, ये बात लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना दे दिया 5 की पावर एक्स गुणा में जो 243 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो 243 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, गुणा करके देख लीजिए, 3 3 9 3 7 81 3 243, यानी 3 की पावर क्या होगी 5 होगी, अब पावर सेम होगी, तो यहाँ से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर एक्स गुणा में 3 की पावर एक्स किसके बराबर होगी, 5 की पावर एक्स गुणा में 3 की पावर 5, तो ये कैंसिल, तो यहाँ से 3 की पावर एक्स बराबर है किसके बराबर होगी, 3 की पावर 5, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से 5 आ गई, ठीक है।
किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक हाल है 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है। यदि इस हाल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उस हाल का आयतन कितने घन मीटर होगा। जैसे एक हाल दे दिया, उसका एक तो दे दिया नीचे वाला फर्श और ऊपर वाली छत, इन दोनों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इसके जो चारों ओर की दीवारें हैं इनके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब क्या कर रहा है इसमें देखिए, क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल हो गया जमा में छत का भी, दो ही चीज़ होएंगी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, बराबर है किसके दे रखा है, जो चारों दीवारों का है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, दो गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए गुणा में ऊंचाई, इसके बराबर है, ये इक्वेशन इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ से हमें ऊंचाई का नहीं पता, ऊंचाई जो है वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी हमें पता है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो एल गुणा बी, एल कितनी है 15 गुणा में 12, ठीक है, प्लस में एल गुणा बी, फिर 15 गुणा 12 बराबर है किसके बराबर हो जाएगा, 2 एल जमा बी, 2 15 जमा में 12 और गुणा में एच, हाइट जो है वो निकालनी है हमने। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं एच को निकालनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 15 और 12 ही गुणा होती है 180, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा में 15 जमा 12, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 15 और 12 कितने होते हैं 27, 27 गुना 2 कितना, 27 गुना 2 गुणा में ऊंचाई, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी, 180, 180 कितने हो गए 360, जो इधर वाला है ये इधर आके भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुणा में 27। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 से 180, 3 से 3 18, 3 6 18, 0, 3 3 9, यानी 20/3 हो गया ये। ठीक है, 20/3 आपका क्या आ गया, यहाँ पे ऊंचाई आ गई, ऊंचाई आ गई। तो अब फार्मूला हमारे पास होता है आयतन का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई दे रखी चौड़ाई दे रखी, ऊंचाई आ गई हमारी, देखिए लंबाई है 15, 15 गुणा 12 गुणा में चौड़ाई कितनी है 20/3, तो 20/3 कर देंगे कंप्लीट के, 3 से 3 चौके 12, 15 चौके 60, 60 और 20 की गुणा कर दीजिए कितनी आ जाएगी, 1200 मीटर क्यूब, घन मीटर में पूछा है तो 1200 मीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में, बिल्कुल ईजी था। सबसे पहले क्या करना था, लंबाई गुणा चौड़ाई जमा, फिर लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर था 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, एच यहाँ से निकाल लेंगे सारी वैल्यू हमारे पास, एच आने के बाद आपने फार्मूला लगाना है एल गुणा बी गुणा एच। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर भी करना है, से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, आपके लिए हर रोज़ ऐसी अच्छी वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।